आप सभी को नमस्कार। आज हम एक विचारवाद पर चर्चा करेंगे कि ये कैसे हमारे जीवन, चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, या आप किसी व्यवसाय से संबंधित हैं, जिस कार्य को भी कर रहे हैं, ये उसको कैसे प्रभावित करता है और सफलता के शिखर तक ले जाता है। एक विचारवाद यानी कि एक ही विचार या एक ही काम पर टिके रहना, खास तौर से विद्यार्थियों के लिए। जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है, तो स्टूडेंट लाइफ में जैसे हम किसी विषय को पढ़ रहे हैं, या जैसे बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट है, या साइंस में इंटरेस्ट है, या कला में इंटरेस्ट है, तो जिस विषय में इंटरेस्ट है उस पे उसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, जिससे वो उसमें निखर सके। जैसे कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी रहती है, कुछ बच्चों की कला अच्छी रहती है, तो जिस विषय पर उसकी पकड़ ज़्यादा है उस दिशा में उसको कार्य करना चाहिए। ये एक विचारवाद का उदाहरण है। अब जीवन में आते हैं, जीवन में पहले व्यवसाय पर आते हैं। जैसे व्यवसाय में आप किसी कार्य को कर जो है पैसा कमाते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। तो जो ये व्यवसाय शब्द है, जो भी आप चुनते हैं, चुनने के बाद परिस्थितियां चाहे जैसे हों उस पे आप अच्छी तरह से कार्य करें, उसके सभी टूल्स को। जैसे मान लीजिए मैं शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं शुरू से ही पढ़ाई पर ध्यान दिया, पढ़ाने पर ध्यान दिया, आज भी पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारी मैंने नई चीज़ें सीखा और आज भी सीख रहा हूँ और सीखता रहूँगा और सीखते हुए ही लोगों को बताता भी रहूँगा। तो आज भी मैं नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ। दैट आप मेडिकल स्टोर का बिजनेस करते हैं, या आप कोई किराने की दुकान है, तो उस या बुक डिपो की दुकान है, तो उस चीज़ में स्टार्टिंग में आप उसे अच्छी तरह से अध्ययन करिए और अच्छी तरह से कार्य करिए। उतार चढ़ाव आएंगे, फेलोर भी आएगा, कंपटीशन भी आएगा, तो इन सब से वाकिफ होकर और उसमें दिन प्रतिदिन सीखिए। जो टाइम चल रहा है कि आप किसी बिना सीखे और बिना उचित और बिना आधुनिक लेटेस्ट चीज़ों को ज्ञान के जो है आगे नहीं बढ़ सकते, वो अब जैसे यहाँ पर एक शब्द आता मल्टीटास्किंग भी, एक साथ कई काम करिए, लेकिन मैं मल्टीटास्किंग को नहीं मानता। एक कार्य को करने से एक समय आएगा कि आप उसमें बहुत बेहतर हो चुके हैं, और उस कार्य को आप बेहतर से, क्योंकि एक कार्य आप केवल एक कार्य को कर रहे हैं, लेकिन उसी कार्य को, उसी कार्य में बहुत लोग बहुत दिनों से करते करते उसी में विशेषज्ञ हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि फला चौराहे का चाट बहुत पसंद है, फला का तो जो है जलेबी बहुत पसंद है, फला मिस्त्री बहुत अच्छा है, फला दर्जी बहुत फिटिंग का कपड़ा सीता है। ठीक है, तो ये क्या है कि फला का नाम क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने कार्य को बेहतर से बेहतर, बेहतरीन ढंग करने की क्षमता को एडाप्ट कर लिया, जिससे वो आगे जा रहा है, या अपने क्षेत्र काम के साथ साथ उस पे पास एक नाम भी है, एक प्रतिष्ठा है, एक डिग्निटी है। तो उसी तरह बच्चों को भी, या हमें अपने, जैसे मैंने ये आपको व्यवसाय के बारे में बताया कि एक विचारवाद हमारे व्यवसाय में कैसे लागू होता है, और जब हम एक ही कार्य को लगातार 1000 घंटे करते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट पैदा होता है। और यदि हम इस, जैसे कंपाउंड इफेक्ट, एक मैंने किताब पढ़ी तो उसमें था, अगर आप किसी काम को 10000 घंटे करते हैं तो आप उसमें परफेक्ट बन जाते हैं। देखिए 10000 घंटे बहुत होता है, किसी काम को 10000 घंटे करते हैं तो आप परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो चित्त है, मन है, हृदय है, वास्तव में एक कार्य के लिए इतने समय तक जो है स्थिर नहीं रह पाता। अगर आपको किसी भी कार्य में या क्षेत्र में, व्यवसाय में आगे जाना है, तो उसमें आपको जो है एक विचारवाद लागू करना पड़ेगा। अब आते हैं हेल्थ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारा खान पान, वायु, जलवायु और यहाँ सभी दूषित हो चुके हैं, यहाँ तक कि विचार भी जो है दूषित हो चुका है।
इस स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको किसी एक चीज पर जो है ध्यान देना है। आप खान पान पर ध्यान दीजिए, चाहे आप एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, ठीक, और या हाइजीन पर ध्यान दीजिए। जैसे अब आप सोचिए कि आप एक्सरसाइज भी कर लें, न्यूट्रिशन भी ले लें, और जो है आप जो है भोजन भी सुधार लें, पानी भी सुधार लें, तो हर चीज़ आदमी सोच सकता है लेकिन कर नहीं पाता है। लेकिन आपको एकात चीज़ पे वर्क करना चाहिए। जैसे आप पानी को सुधारिए या खाना सुधारिए या आप एक्सरसाइज करिए, किसी ना किसी एक चीज़ में आप उसे अच्छी तरह से करिए। अगर पानी शुद्ध पीने की कोशिश कर रहे हैं तो शुद्ध पानी पीजिए। भोजन भी मिल पा रहा, भोजन शुद्ध मिल पाना बहुत मुश्किल है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कितनी दवाइयां खेतों में डाली जा रही हैं। आज की डेट में जहर से भी ज़्यादा जहर सब्जियों में है। जितना जहर बाज़ार में नहीं बिकता उसका हजारों गुना कीटनाशक सब्जियों के ऊपर डाले जाते हैं। इसलिए लोगों को बीमारियां पैदा हो रही हैं, इसलिए लोग नई नई समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, मानव जाति है, वो काम करने को राजी नहीं है। जिनके घर में 10 लोग हैं, एक लोग जो है गाय को चारा देने के लिए राजी नहीं है। कोई एक जो बूढ़े पिताजी माताजी हैं वही गाय और भैंस को पाल रहे हैं, इसी से वजह से परिवार को दूध मिल रहा है। ये गांव की स्थिति बता रहा हूँ, शहर की स्थिति तो लोग जो है डिब्बे वाले ही दूध में मस्त हैं। ये डिब्बा वाला दूध पीते पीते जो है एक लाइन मैंने लिखा, मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारा देश जो है ऐसा विकसित हो रहा है कि बेरोजगारी की शोहरत आ रही है। हमारा देश ऐसा विकसित हो रहा है कि बेरोजगारी की शोहरत आ रही है। बच्चा चड्ढी संभाल नहीं पा रहा है और चश्मा संभालने की नौबत आ रही है। तो मैं आपको, हाल ही में मैंने एक बच्चे को देखा, वो 3 ही साल का है और जो है उसको चश्मा लग गया है। मैं इस पर लाइनें मैंने आपको बताया। तो स्वास्थ्य को लेकर भी आप लोग सजग रहिए, जिससे जो है जीवन का आनंद लिया जा सकता। अगर हेल्थ में आपकी हेल्थ या आपके फैमिली की हेल्थ या किसी की हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो सब कुछ रहे, लेकिन आपको ओरिजिनल एंटरटेनमेंट नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं दिमाग में पंच करता रहता कि सब कुछ ठीक हो जाए तो सब कुछ करेंगे। सब कुछ ठीक होने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो चुकी है। मिट्टी की वजह से फसलें प्रदूषित हो चुकी हैं, फसलों से वजह से फल प्रदूषित हो चुके हैं, और वही फल हम खा रहे हैं तो हमारा शरीर भी प्रदूषित है।